आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। तो चलिए रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की ओर। तो रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हीरापुर जरवाय में सीएनडी प्लांट का लोकार्पण किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों में निर्माण गतिविधियों में वृद्धि होने से तोड़फोड़ और अन्य प्रक्रियाओं से निकलने वाले मलबे के उचित प्रबंधन के लिए सीएनडी प्लांट का निर्माण किया गया है। यहाँ पर मलबों की प्रोसेसिंग कर पेवर ब्लॉक, टाइल्स, ड्रेन कवर इत्यादि का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा सीएनडी प्लांट के जरिए मलबों के उचित समायोजन से वायु की गुणवत्ता, नालों के प्रवाह में अवरोध तथा तालाबों के जल संचयन की क्षमता में कमी आने जैसी समस्याओं में भी कमी आएगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने वीर सावरकर वार्ड के अटारे स्थित दुर्गा मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की है। दंतेवाड़ा में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जिला कार्यकारिणी की बैठक की है। बैठक में विधानसभा प्रभारी ने आगामी होने वाले संगठनात्मक कार्य योजना को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा की। वहीं इस बैठक में पूर्व मंत्री छत्तीसगढ़ भाजपा जिला अध्यक्ष समेत कई लोग भी मौजूद रहे। खबर बस्तर से है, जहां बीजापुर के विधायक विक्रम मंडावी के काफिले पर नक्सलवादियों ने हमला कर दिया। काफिले में शामिल जिला पंचायत की सदस्य पार्वती कश्यप के वाहन पर नक्सलियों ने फायरिंग की। बता दें कि काफिला गंगालूर हाट बाजार में नुक्कड़ सभा कर वापस लौट रहा था, जहां पदेड़ा के नजदीक ये हमला हुआ। वही सूत्रों के मुताबिक काफिले में शामिल सभी लोग सुरक्षित बताए गए हैं। तो नक्सलियों ने काफिले पर जोरदार फायरिंग की है। वह सभा कर वापस लौट रहा था काफिला। इस दौरान नक्सलियों ने जोरदार हमला किया है विधायक के काफिले पर, लेकिन गनीमत यह रही कि काफिले में शामिल सभी लोग फिलहाल सुरक्षित बताए गए हैं। नारायणपुर के भानपुरी में बस्तर सांसद और एलडीएम के लोकसभा प्रभारी की अध्यक्षता में बैठक की गई है, जिसमें मुख्य रूप से विधायक हस्तशिल्प कला बोर्ड के सदस्य समेत कई लोग उपस्थित रहे। वही बैठक में उपस्थित लोगों को सांसद ने एलडीएम के तहत प्रदेश, जिला, विधानसभा, मंडल, पंचायत, बूथ स्तर में एलडीएम सदस्य की चयन करने हेतु निर्देश दिया है। खबर गरियाबाद से है, जहां विद्युत विभाग ने नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायतों का बिल नहीं पटने के चलते लाइन कनेक्शन काट दिया है, जिसके चलते गांव में लोगों को पानी के लिए काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। वहीं नगर पंचायत और कुछ जगहों का बिल पटाकर नल जल को शुरू किया है। वहीं कई ग्रामीण क्षेत्र के पंचायतों का नल जल कनेक्शन नहीं पट पाने के चलते अभी भी बंद पड़ा है, जिसके चलते अभी भी ग्रामीणों को पानी के लिए काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। जी अभी तो भीषण गर्मी के समय में ये कार्यवाही होना ग्राम पंचायत के सभी ग्राम पंचायत के लिए बहुत ही दुखद की बात है, क्योंकि गर्मी के दिनों में ज़्यादातर पानी की बहुत समस्या रहती है। और हमें वो उच्च अधिकारियों से भी निर्देश दिया जाता है कि आप जल का आपूर्ति करो ताकि किसी को जल की असुविधा मत हो ऐसा करके, परंतु अभी विद्युत विभाग द्वारा नल जल का जो कनेक्शन काटा गया है, जिसमें पूरा गांव का जो नल जल व्यवस्था है वो पूरा ठप हो गया है। और लगभग 2016-17 में जो बीजेपी सरकार रही है उसके द्वारा ग्राम पंचायतों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया था कि आप लोग मूलभूत की जो सुविधाएं, जिसमें आप लोग नल जल है और विद्युत में जो व्यय करते हो, खर्च देते हो, उसका आप खर्च और उसका भुगतान ना करें ऐसा करके स्पष्ट हमको ग्राम पंचायत को आदेशित हुआ था।
जगदलपुर में सर्व ब्राह्मण समाज ने आज सरयू पारायण ब्राह्मण समाज भवन में आगामी 22 अप्रैल को भगवान परशुराम जयंती को भव्य तरीके से मनाने के लिए अंतिम बैठक की है, जिसमें सर्व ब्राह्मण समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को दायित्व दिया गया है। वहीं सर्व ब्राह्मण समाज के संभागीय अध्यक्ष ने अपने भाषण में ब्राह्मणों को अपनी ताकत पहचानने पर बल दिया है और कहा एक ब्राह्मण 100 प्रभारी है। उन्होंने कहा ब्राह्मण जहां भी गया है वहां विकास के नए आयाम गढ़े हैं और उसमें कई निर्णय लिए गए सभी के द्वारा, जो समाज प्रमुख लोगों के द्वारा एक सभी समाजों की एक संचालन समिति भगवान परशुराम जन्मोत्सव की बनी है, जिसमें सभी समाजों से चार चार नाम आए हैं और वो इस कार्यक्रम के संचालन के लिए मॉनिटरिंग और सहयोग करेगी और अपने अपने समाजों में इस बात को ले जाएगी और जन्मोत्सव के दिन शोभा यात्रा में सभी को सम्मिलित करने का ये निर्णय लिया गया। जो शोभा यात्रा निकलेगी वो दंतेश्वरी मंदिर से शुरू होगी, मिताली स्टोर संजय बाजार होते हुए अपना संजय बाजार से अस्पताल। छत्तीसगढ़ के बीजापुर से कांग्रेस विधायक के काफिले पर नक्सलियों ने हमला कर दिया। नक्सली हमले के कुछ घंटों के बाद ही विधायक क्रिकेट पिच पर खेलते नजर आए, जिस पर अब पूर्व मंत्री महेश गांगड़ा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि तमाम घटनाक्रम के बाद विधायक जिस तरह क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं उससे यही लगता है कि जो घटना हुई वो केवल सनसनी फैलाने के उद्देश्य से की गई थी। आगे उन्होंने कहा कि ये घटना केवल पॉपुलैरिटी लेने के लिए विधायक की सोची समझी रणनीति का हिस्सा थी। सुरक्षा ताकीद को तगाजा करते हुए उन्होंने बाइकाट करते हुए जाके वापस आया था। जब घटना हुआ शाम को देखते हैं कि विधायक बीजापुर में क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं। तमाम चीज़ें प्रदेश के सुरक्षा को लेकर जिस तरह से गृह मंत्री का और सत्ताधर विधायक का लापरवाही दिख रहा है, इससे एक आम जनता को जिस तरह से सुरक्षा साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और एक सुरक्षा को मजाक बना के जो रखा गया है, अगर गृहमंत्री होंगे या फिर विधायक होंगे। एक कार्यक्रम के पश्चात वापस उन्होंने बीजापुर के लिए शाम को करीबन 4 बजे निकले थे। 4:30 बजे के आसपास वो सही सलामत बीजापुर जिला मुख्यालय पहुंच गए थे। उनकी काफिला के सभी सिक्योरिटी टीम से अन्य जो लोग भी बीजापुर जिला मुख्यालय वापस पहुंच गए थे। तत्पश्चात ये जानकारी प्राप्त हुआ है करीबन 4:30 बजे के बाद पदेड़े के पास जो पार्वती कश्यप जी जो जिला पंचायत सदस्य, तब उन्होंने भी गंगलूर से बीजापुर लौट रहे थे, उनकी गाड़ी के आसपास फायरिंग होने का जानकारी मिल रहा है। उसके उसी में उनके गाड़ी का टायर क्षति होने का भी खबर मिल रहा है। वो किस परिस्थिति में ये घटना निर्मित हुआ उसका तस्दीक की जा रही है, उसके पश्चात और डिटेल। जगदलपुर में बीजापुर विधायक एक जनसंपर्क कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद वापस बीजापुर मुख्यालय पहुंचे, जहां काफिले में शामिल जिला पंचायत के सदस्य के वाहन में नक्सलियों ने फायरिंग कर दी। सूत्रों के मुताबिक काफिले में शामिल सभी लोग सुरक्षित हैं, जिसके बाद कचलावारी में हुई मुठभेड़ में एक पुरुष माओवादी का शव बरामद किया गया है, जबकि 2 अन्य घायल नक्सलियों को पुलिस ने के जवानों ने पकड़ लिया है। कुछ विधायक बीजापुर माननीय श्री विक्रम मंडावी जी का जनसंपर्क कार्यक्रम थे। कार्यक्रम के पश्चात शाम को वापस लगभग 4:30 बजे उन्होंने सकुशल वापस जिला मुख्यालय बीजापुर पहुंच गए थे। उनके साथ जनप्रतिनिधि एक जिला पंचायत सदस्य पार्वती कश्यप जी, वो भी बीजापुर पहुंच गए थे। अभी ये जानकारी आ रहा था, मतलब उनके काफिला पार होने के पश्चात इलाके में पदेड़े के आसपास कुछ फायरिंग का जानकारी प्राप्त हो रहा है। इसके आसपास अभी सर्चिंग के लिए पार्टी बाहर निकले हैं, उसका तस्दीक करने पर और क्लियर हो जाएगा। अभी वर्तमान में जो माननीय विधायक बीजापुर एवं जनपंच जिला पंचायत सदस्य श्रीमती पार्वती कश्यप एवं जितना भी जनप्रतिनिधिगण उस कार्यक्रम में गए थे, निर्धारित कार्यक्रम के तहत जो हमारे कांग्रेस पार्टी के निर्देश अनुसार हम लोग 8 बाजारों में नुक्कड़ सभा करने के लिए 27 बाजार रंजन रहे हुए थे और वहां से सभा समाप्त होने के बाद हम वापस बीजापुर जिला मुख्यालय आ रहे थे। उसी बीच में हमारे साथ काफिले में चल रहे हम सब लोग काफिले में वापसी हो रहा था, वो चलते समय हमारी एक गाड़ी थी जिला पंचायत सदस्य, उस गाड़ी पे फायरिंग हुआ और फायरिंग होने की वजह से टायर में साथ गोली लगा और गोली लगने के बाद में टायर पंचर होना, फिर उसके बाद फिर वो सब लोग वापस पदेड़ा गांव की ओर रहे और सभी लोग हम लोग यहां पर हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और जिला मुख्यालय में।
खबर जगदलपुर से है, जहां राजेंद्र नगर वार्ड क्रिकेट क्लब के तत्वावधान में आज से स्थानीय गांधी मैदान में काका कप क्रिकेट प्रतियोगिता की शुरुआत की जा रही है। राजेंद्र नगर वार्ड क्रिकेट टीम के अध्यक्ष ने बताया कि काका क्लब प्रतियोगिता अंतर्राज्यीय स्तर की प्रतियोगिता होगी, जिसमें बस्तर जिले के तटीय राज्यों की टीम भी भाग लेंगी। वहीं इस प्रतियोगिता में पुरस्कार के रूप में नगद धनराशि दी जाएगी। वहीं प्रतियोगिता में विजेता टीम को 1,51,000, उप विजेता टीम को 75,000 और तीसरा स्थान पाने वाली टीम को 21,000 की नगद धनराशि दी जाएगी। हमारे शहर के हाता ग्राउंड या हमारे गांधी मैदान में अंतर्राज्यीय टेनिस बॉल रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का शुरुआत हो रही है, जिसे कि हमने हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के सम्मान में चालू करवाया है और इस कार्यक्रम का नाम रहेगा काका कप। बिलाईगढ़ पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। दरअसल एक ऑटो चालक अपने साथी के साथ ऑटो में सवार सवारी के सर पर रॉड से हमला कर सवारी का सामान लूटकर फरार हो गया था, जिसके बाद घटना में शामिल दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपियों के पास से कब्जे से लूट किए गए सभी सामान और नकदी रकम भी बरामद कर ली है। सूरजपुर के झिलमिली थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग की खेत में आग लगने से मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक मृतक अपने खेत में पराली जलाने गया था, जहां पराली जलाने के दौरान आग तेज हो गई और भागने के दौरान युवक झुलस गया, जहां मौके पर ही बुजुर्ग की मौत हो गई, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अब मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। खेत में काम करने गया था, जो काफ़ी समय तक नहीं आने पर इनके द्वारा खेत में जाकर देखा गया, जो खेत में चारों तरफ आग लगा हुआ था और इसका बड़ा पिताजी इंद्रपाल उस आग में झुलसा हुआ था, जिस पर थाने में मर्ग कायम कर जांच पंचनामा कार्यवाही में लिया गया है। पीएम पश्चात अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। खेत में धान के जो पैरा रहते हैं उसको वो सफाई कर रहा था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नालंदा में शहर के पहले मिलेट कैफे का उद्घाटन किया। यहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए नालंदा आने वाले छात्र छात्राओं समेत रायपुरवासी भी रागी, कोदो, कुटकी, ज्वार, सांबा जैसे बाजरे के व्यंजन का स्वाद चख सकेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के निवासियों से मुलाकात करते हुए उस कैफे का उद्घाटन किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।